हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट टुडे वी विल डिस्कस क्लास साइंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट इसके बीच में हम पूरा डिस्कस करेंगे ये चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है और क्या नहीं राइट सो इस चैप्टर को डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस करना है तो चलो अभी शुरू करते हैं सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बेसिकली ये वो फैक्ट्स हैं जो एक डिफरेंशिएट करते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को ठीक है समटाइम्स आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ऑन व्हाट बेसिस यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग इन नॉन लिविंग थिंग्स तो उस केस में आपको ये पॉइंट्स को लेके आपको डिफ्रेंशिएट करना है राइट right? तो so, अभी इसको देखते हैं देखो जो जैसे सबसे पहले ये आया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड एयर एंड वाटर टू लिव जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको खाना चाहिए हवा चाहिए पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स जितने भी हमारे बैक्टीरिया वगैरह सब कुछ है उन सबको खाना हवा और पानी चाहिए पर जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है अब नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं जो सांस नहीं लेती ओके okay? जैसे अब आपका टेबल है चेयर है आपके घर में जो फर्नीचर है ये विंडोज हैं डोर्स हैं ये सब चीज़ें क्या इनको खाना चाहिए या आपको अब आप बेड आपका बोलते हैं कि मेरे को खाना दो भैया या दीदी मेरे को खाना दो या मेरे को पानी दो कहते हैं वो आप अपनी मम्मा को बोलते हैं ना मम्मा मेरे को मत भूख ही लगी है माय टमी नीड्स फूड आपकी मम्मा फिर आपको खाना देते हैं बट आपका फर्नीचर आपको बोलता है कभी कि मेरे को भूख लगी है नो no. सो so, इस बेस पे आप डिफ्रेंशियट कर सकते हो कर सकते हो कि जो लिविंग बींग्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाना चाहिए हवा चाहिए और पानी चाहिए पर नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं चाहिए ठीक है सेकेंड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी मिलती है खाने से अगर हम जब खाना खाते हैं आपकी टमी फुल हो जाती है राइट गेट एनर्जी फ्रॉम दिस आपको किसके लिए एनर्जी मिलती है काम करने के लिए खेलने के लिए पढ़ने के लिए सोने के लिए टीवी देखने के लिए कोई भी आपने कुछ भी काम करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है सबके लिए आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है फ्रॉम द फूड यू ईट बट जो आपकी लॉन लिविंग थिंग्स है जब वो कुछ खाएंगे नहीं तो उनको एनर्जी की जरूरत क्या है क्या आपने आपका फर्नीचर पड़ा पड़ा मोटा हो जाता है या पतला हो जाता है नो no? वो जैसे है वैसा ही रहेगा बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग उसको हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं वो उसमें कोई जान प्राण नहीं है ठीक है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे ग्रो एंड डेवलप जितनी भी हमारी लिविंग बींग्स हैं प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं वो सब बड़े भी होते हैं टाइम के साथ और डिवेल्प भी होते हैं अब जैसे देखो जब आप छोटे जब आप दुनिया में आए थे तब आप कितने छोटे से थे मम्मा की गोदी में रहते थे और अब देखो आर यू इन सिक्स क्लास नाउ आप कितने बड़े हो गए हो आप पहले क्रॉल करना सीखे ठीक है क्रॉल करके आप धीरे धीरे चलना सीखे फिर आप दौड़ना सीखे ट्राई साइकिल चलाते थे अब आप बाईस एकल चलाते हो पहले बिना स्पोर्ट्स के चलाते हो गए अब आप बिना सॉरी पहले आप विद स्पोर्ट्स चलाते हो अब आप विदाउट स्पोर्ट्स चलाते हो विद टाइम क्या होगा आपका साइज छोटे से बड़ा होता जा रहा है ना पहले अभी आप अपने वन ईयर पुराने कपड़े देखो आपके वो आते हैं फिट होते हैं नहीं आप दिखाओगे मम्मा देखो आम से छोटा हो गया अब तो ये मेरे आता नहीं है ऐसे ही बोलते हो ना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप लिविंग बीइंग हो ह्यूमन बीइंग हो आप ग्रो करे आपकी बॉडी डेवलप हो रही है आपको मम्मा जो खाना दे रहे हैं आप जो खाना खाते हो फ्रूट्स खाते हो वेजिटेबल्स खाते हो वट यू ईट उससे आपको एनर्जी मिलती है और आप ग्रो होते हो राइट सो आपकी बॉडी जैसे ही डिवेल्प होती है सो so, बट जो नॉन लिविंग है नॉन लिविंग को आप, आपका सेम वही मैं बात बोल आपका जो फर्नीचर है पड़ा पड़ा साइज ये थोड़ा ना कि कल वो आ, एक फुट का टेबल था आज वो दो फुट का टेबल हो गया ये एक साल में दो फुट का हो गया ऐसे तो नहीं होता ना वो तो बेचारेगा उतना का उतना ही रहता क्योंकि उसमें कोई जान प्राण नहीं है अभी ये हमने बात की थी पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बींग्स की ऐसे ही आप देखो ट्रीज प्लांट्स को देखो प्लांट छोटे से बड़े होते हैं आप बिल्कुल छोटा सा लगाते हो विद टाइम जब उसको सनलाइट मिलती है उसको एयर मिलती है उसको वाटर मिलता है उसको मिनरल्स मिलते हैं सॉइल से सब कुछ मिलता है तो वो ग्रो करता है और वो डिवेलप होता है बड़ा होता जाता है राइट नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म अडाप्ट हो जाते हैं आप जैसे देखो अभी आप अगर आप प्लेन्स में रह रहे हो राइट right? और आपका जो ठंड है ठीक है जैसे नॉर्थ इंडिया में ठंड विंटर्स में अच्छी होती है और यही आप साउथ में चले जाओ या सेंट्रल एरिया में चले जाओ सेंट्रल इंडिया में चले जाओ तो वहाँ पे ठंड कम होती है तो अगर हम अग मान लो आप दिसंबर uh, जनवरी के टाइम आप साउथ में चले जाते हो या सेंट्रल एरिया में इंडिया में चले जाते हो वहाँ जहाँ पे ठंड कम है या साउथ में नहीं है तो उस केस में क्या होता है आपकी बॉडी अपने आप को वैसे उस माहौल में अडाप्ट कर लेती है ठीक है ना बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब कोई जान प्राणी नहीं है तो फिर वो कहाँ से करेंगे ठीक है नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं रिप्रोड्यूस मींस इनमें रिप्रोडक्शन होती है ये प्लांट्स और एनिमल्स सब में रिप्रोडक्शन होती है वो अपने जैसे ही आगे रिप्रोड्यूस करते हैं आप देखो ब, ये आपके जो हैंड्स हैं वो एग्स देती हैं एग्स से चिक्स निकलते हैं राइट ह्यूमन बींग्स बेबी को बर्थ देते हैं ऐसे ही जो आपके प्लांट्स हैं प्लांट्स में ऐसे अगर आप कभी विंड चले जैसे आपको पहले भी डिस्कस किया हो मैं, मैंने विंड चले उसके जो सीड्स हैं वो कहीं पे भी गिर जाते हैं कुछ सीड्स कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप अप जर्मिनेट हो जाते हैं वहाँ पे तो वो रिप्रोडक्शन हो जाती है या अगर आप किसी प्लांट का सीड कहीं पर लगा रहे हो तो वो सीड से वही प्लांट अपने अप निकल आप निकल आएगा आप देखो आप यहाँ पे आ, जो फार्मर्स है वो अनियन सीड्स लगाएंगे या पटाटो सीड्स लगाएंगे या रेडिश कैरेट वाट जो भी उन्होंने जिस चीज़ की उनको क्रॉप uh, चाहिए उनको प्रोडक्ट जौन सा चाहिए उसके सीड वो लगाते हैं और वैसा वो प्लांट निकल आता है ठीक है बट नॉन लिविंग में ये चीज़ नहीं होती है देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ जैसे जैसे हमारी इन्वायरमेंट में कोई एक्टिविटी होती है उस हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं आप देखो जैसे आ, बाहर आपके एकदम से ठंडी हवा चलने लगी है या आप आ, तो अगर आप अंदर से मतलब घर के अंदर से बाहर जा रहे हो बाहर एकदम से कोल्ड ब्रीज चल रही है व ठंडी हवा चल रही है तो बाहर आपको बॉडी वैसे ही आपकी रिएक्ट करेगी आपको ठंड महसूस होगी सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो इन्वायरमेंट के साथ में रिस्पोंड करते हैं बट जो नॉन लिविंग है वो नहीं रिस्पोंड करते हैं ठीक है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर वही मैंने आपको पहले बात बताई थी कि हम लोग ब्रीद करते हैं ना प्लांट्स एंड एनिमल्स सारे ब्रीद करते हैं बट जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ब्रीद नहीं करते हैं वो सांस नहीं लेते हैं देन नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टीमलाय अब स्टीमलाय क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वॉट इज स्टीमोलाय स्टेमुलय का मतलब क्या है ये आपको पता होगा तभी आप उसको करोगे स्टेमुलय क्या होता है कि जो आपके वातावरण में आसपास जो भी चेंजेस हो रही हैं आप उसके हिसाब से कैसे आप उसको रिएक्ट करते हो कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो उसको स्टेमुलाय बोलते हैं जैसे इसकी मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको ये मोर लेस ये वाला पॉइंट है जो मैंने पहले पॉइंट डिस्कस किया आपके साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज ये सेम ही चीज़ है ये देखो जैसे मान लो आपके आप एकदम से कमरे में लाइट नहीं थी और एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट वाले एरिया में आप आ जाते हो मतलब अंधेरे से एकदम से ब्राइटनेस में आ जाते हो तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी थोड़ी देर आपकी आंखें नहीं खुलेंगी आपको बहुत ब्राइटनेस नजर आएगी सो so, आप अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करोगे रिएक्ट करोगे या आप कर लो मान लो आप फ्लावर प्लक कर रहे हो लाइक रोज यू आर प्लकिंग द रोज आप रोज का फ्लावर तोड़ने लगे रोज में आपको पता है रोज किस स्टेम में हॉर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं कांटे बहुत ज्यादा होते हैं एकदम अगर आपका हाथ कांटे के ऊपर आता है तो आपको उस टाइम कुछ आप रिएक्ट करोगे फटाफट फट अपना हाथ पीछे करोगे वॉट एवर ठीक है सो ये चीज है एज ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये नहीं होता है नेक्स्ट कम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब देखो वो फूड खाएंगे तो वो एक्सक्रीट भी करेंगे ठीक है वो जो ह्यूमन वेस्ट है जो बॉडी वेस्ट है वो सारा का सारा भा जाएगा अब एनिमल्स में तो आपको पता है दे एक्सक्रीट बट अब जो आपके प्लांट्स हैं आप बोल गए प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं अब देखो आपने ट्रांसपीरेशन प्रोसेस आपने किया हुआ है सो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस इज बेसिकली द एक्सक्रीशन जितना भी उसकी बॉडी में ज्यादा वो प्लांट्स uh, अपनी बॉडी में जितना वो स्टोर कर चुके हैं फूड और वाटर जरूरत से ज़्यादा तो वो सारा वाटर की फॉर्म में ट्रांसप्रेशन प्रोसेस में एक्सक्रीट हो जाता है ठीक है नाउ द लास्ट पॉइंट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स शोज मूवमेंट लिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम सारे मूवमेंट शो करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ये जो मूवमेंट की बात जो हो रही है ये ये नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स मूव प्लांट्स मे नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे शो द मूवमेंट वो एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जा सकते उनके पैर नहीं लगे हुए हैं बट दे शो द मूवमेंट दे शो द मूवमेंट कैसे अब जैसे अब देखो एक प्लांट्स में आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा टच मी नॉट टच मी नॉट प्लांट है वो प्लांट ऐसा है अगर आप उसको टच करोगे तो वो प्लांट मुरझा जाता है बंद हो जाता है और जैसे ही आप उसको टच करके हटोगे थोड़ी देर बाद में वो खुल जाता है या और भी आपने देखा होगा जो फ्लावर्स है वो सनफ्लावर है वो सन के सामने जैसे जैसे सन घूमता है वैसे वैसे सनफ्लावर घूमता है और जैसे जब सन sun, सनसेट uh, हो जाता है तो वो बंद हो जाता है सो दिस इज वॉट जो आपके प्लांट्स हैं वो आपकी मूवमेंट को शो कर रहे हैं जब आपकी हवा चल रही है कुछ हवा चल रही है तो हवा चलने से क्या है कि आपको प्लांट्स को देख के ट्रीज को देख के आपको पता चलता है कि हवा चल रही है वो उनके लीव्स और फ्लावर्स जैसे हिलते हैं सो दे शो द मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो द मूवमेंट बट आप देखो आपका विंडो है वो तो नहीं हिलता वो तो नहीं ऐसे हिलती है आपका चेयर है पड़ी पड़ी तो नहीं चलने लग जाती हिलने लग जाती ऐसे तो नहीं हिलती है ना सो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बट द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो द मूवमेंट दे बे नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे शो द मूवमेंट ठीक है सो इन बेसिस पे आप इनको डिफ्रेंशिएट करोगे और हमने आगे क्या डिस्कस करना है नेक्स्ट कम्स हैबिटेट हैबिटेट क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए नाबिट वट इज हैबिटेट हाबिटाट इज अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव जहां पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उस जगह को हम बोलते हैं हैबिटेट हैबिटेट प्रोवाइड्स ऑल द एनवायरमेंटल कंडीशंस व्हिच एन ऑर्गेनिजम्स नीड टू सरवाइव एक हैबिटैट उस जगह में पूरी सर, पूरी चीज़ें प्रोवाइड करती है जो प्र, जो चीज़ें रहने के लिए ऑर्गेनिजम्स के सरवाइव होने के लिए ज़रूरी हैं जितनी की जितनी आपको इन्वामेंटल कंडीशंस आपको चाहिए जैसे खाना चाहिए हवा चाहिए एयर चाहिए शेल्टर चाहिए सब कुछ हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड करती है हैबिटेट को हम ड्वेलिंग प्लेस भी बोलते हैं अगर आपको क्वेश्चन आ जाए वन मार्क में अनदर नेम फॉर हैबिटेट तो यू हैव टू राइट द ड्वेलिंग प्लेस ओके आपको पता होना चाहिए कि हैबिटेट का दूसरा नाम ड्वेलिंग प्लेस है नेक्स्ट हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड वाटर एयर शेल्टर एंड शेल्टर टू ऑर्गेनिज्म वो सारी चीज़ें फूड एयर वाटर शेल्टर सब कुछ और, और भी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करता है अगर हैबिटेट हमारे पास नहीं होगी तो हम नहीं और, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि हैबिटेट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे उसको सारा उसके सर्वाइव होने के लिए सारी कंडीशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं जहाँ पे होंगी वहीं पे वो बंदा वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा अदरवाइज वो नहीं सरवाइव कर पाएगा आप जैसे देखो कैमल्स हैं कैमल्स जो हैं आपके वो हॉट एरिया में ही रहते हैं अब वो आप इतनी ठंड में उनको ले जाओ जी आ, ग्रीन लैंड में ले जाओ वहाँ पे देख के नॉट सर्वाइव तो उनके लिए तो मुश्किल है क्योंकि उनकी जो हैबिटेट ही नहीं है वैसे सराउंडिंग्स का एटमोसफेयर ही है वैसा नहीं है कि जहाँ पे वो सर्वाइव कर सके सो द हैबिटेट प्रोवाइड्स ऑल द थिंग्स ऑल द इन्वायरमेंटल कंडीशन विच आर नीडेड टू द ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव एक और ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो हमारी सारी हैबिटेट प्रोवाइड करता है एंड हैडाप्टन क्या होती है बेटा हैबिटेट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अडाप्टशन मैन इस चीज़ इस चैप्टर में बेटे आपको पता होना चाहिए हैबिटेट और अडाप्टशन में दोनों में क्या फ़र्क है अभी देखो आप हैबिटेट कर चुके हैंबिटैट बेसिकल एक ड्वेलिंग प्लेस होता है एक वो इन्वायरमेंट होता है फिर हैबिटेट आपको वो फस लिविंग uh, ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करती है वो सारी चीज़ें हैं जिसमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर सकें अब अडाप्टशन क्या है वो आप लोगों को अभी नहीं पड़ी है वो मैं अब आपको बताती हूँ अडाप्टन होती क्या है अडाप्टन रेफर्स टू द फिजिकल क्वालिटीज ऑफ एन एनिमल दैट हेल्प्स इट इन सर्वाइवल इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट और पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस अडाप्ट देखो हैबिटेट तो आपको एक सराउंडिंग्स मिल जाती हैं जिसमें अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकता है जिसमें वो फूड शेल्टर एयर वाटर सारी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ वो प्रोवाइड करता है पर अडाप्टेशन जो होती है वो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिस जो से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप देखोगे वो पर्टिकुलर एनिमल की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजिकल क्वालिटीज होती हैं उसकी अपनी जिसके कारण वो उस हैबिटेट में अपने आप को ढाल सकता है और या वो वैसी क्लाइमेटिक कंडीशन या एन्वामेंटल कंडीशन जैसी होती हैं उनके बीच में अपने आप को ढाल लेता है अपने आप को सरवाइव करने के लिए फिट कर लेता है अपने आप को उसको हम अडाप्टशन कहते हैं सो so, अडाप्टन में कुछ फिजिकल क्वालिटीज होती हैं हमारी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ठीक है अडाप्टशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिफर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर प्लेस ऑफ हैबिटेट जैसे जैसे आपकी ड्वेलिंग प्लेस होगी जहाँ भी आप रह रहे हो उस ल, जगह के हिसाब से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की अडाप्टशन जो होगी वो डिफरेंट होगी दूसरे हैबिटेट से एक जगह से दूसरी जगह पे वो अपने आप को ढालता है, है वो कैसे ढालता है उसका वो फ़र्क पड़ेगा अब जैसे इंडिया में आप ले लो नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ती है ज़्यादा और साउथ इंडिया में गर्मी पड़ती है ज़्यादा तो जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं जो अब जम्मू कश्मीर श्रीनगर में रहते हैं उन लोगों के लिए नीचे जाओगे अगर आप चेन्नई में केरला में वहाँ पे रहना उन लोगों के लिए मुश्किल है कि वो इतनी गर्मी सरवाइव नहीं कर सकते सहन करना उनके लिए बहुत मुश्किल है ये नहीं है कि पॉसिबल नहीं है बट इट विल टेक टाइम फॉर देम टू अडाप्ट टू दैट इन्वायरमेंट अपने आप को उस माहौल में ढालने के लिए उनको थोड़ा टाइम लगेगा और सेम केरला या चेन्नई के लोग अगर ऊपर को आ जाते हैं श्रीनगर में आते हैं ये लेह लद्दाख में जाते हैं तो उन लोगों के लिए वहाँ पे अपने आप को ढालना बहुत मुश्किल हो जाता है सो so, अगर आप छोटी एज में आओगे तो इट इज इजी फॉर यू टू टू दैट एनवायरनमेंट रादर देन इन द एज ऑफ सेवन और एटीज सेवेंटीज एटीज में जाके आपको दूसरे इन्वायरमेंट में अडाप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है तो ये तो मैंने आपको जनरल अडाप्टन का मतलब बताया अब है अडाप्टन डिफरेंट हैबिटेट्स की सी में और डेजर्ट्स में हम वो डिस्कस करेंगे ठीक है हमने डिस्कस करना है हाबिटेट इन सी सी में हैबिटेट मीन्स हमारी जो है लिविंग प्लेस कैसी है इन सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय द सलीन और सॉल्टी वाटर समुद्री पानी आपको पता है नमक वाला होता है सॉल्टी होता है उसको हम सलीन भी बोलते हैं जितने प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनके आज जो आ, पानी में एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स हैं जो सी में रह रहे हैं वो सारे के सारे आसपास उनके पास कौन सा पानी है सॉल्टी वाटर है सो so, वो अपने आप को डालते ही उस माहौल में है वैसे पानी में कि उन्होंने वहीं पे रहना सॉल्टी वाटर में ही रहना है अब है रहते वो पानी में है सॉल्टी वाटर में एयर उनको चाहिए रेस्पायर करने के लिए या पहले पढ़ चुके हो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सांस लेनी है अब वो सांस पानी हवा कैसे लेंगे सांस कैसे लेंगे सो प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या करते हैं जो यू नो एयर के बीच में सॉरी uh, वाटर के बीच में एयर होती है वाटर के बीच में एयर होती है तो जितने हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो वो वाटर uh, में से वो एयर लेते हैं रिस्पायर करने के लिए ठीक है ये है हमारी बेसिकली बेटा हैबिटेट इन सी अब आती है हैबिटेट इन डेजर्ट देखो दोनों अलग अलग हैं सी पानी पानी डेजर्ट रहता ही रहता गर्मी गर्मी सो so, दोनों की हैबिटेट्स इसलिए इसमें डिस्कस की जाए जा रही हैं ताकि आपको पता चले कि दोनों की हैबिटेट्स डिफरेंट है एक आपको मैंने बताई पानी की और एक मैं आपको बता रही हूँ डेजर्ट की जहाँ पे बहुत सारी रेत है और बहुत सारी गर्मी है सो so, डेजर्ट में क्या है बहुत थोड़ा पानी अवेलेबल होता है जैसे आपका सी में पानी ही पानी है डेजर्ट एरिया में पानी नहीं अवेलेबल इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होता होता है पर कम अवेलेबल होता है और दूसरा रेत है रेत जो है गर्म भी बहुत जल्दी हो जाती है और ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है इसके कारण क्या होता है दिन में जब सन होता है तो डेजर्ट एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होता है सैंडमारी बहुत गर्म होती है और जैसे ही आपका सनसेट हो जाता है रात शुरू हो जाती है जब तो रात में बहुत ज़्यादा ठंडी जाती है क्योंकि जो आपकी सैंड है वो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है और बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है इस कारण डेजर्ट एरिया में डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड ठीक है अब आप बेटा पहले चैप्टर्स में ये पढ़ चुके हो कि आपको पता होना चाहिए कि सॉइल के बीच में भी एयर होती है सॉयल के बीच में एयर होती है तो जितने आपके वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो कहाँ से रेस्पार करते हैं जो सैंड्स के अंदर रहते हैं जो अंदर रहते हैं वो कहाँ से रेस्पार करते हैं वहाँ की वहाँ से जो हवा आती है वहाँ पे जो सरफेस पे रहते हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है पर जो सैंड के बीच में रहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे तो वो कहाँ से रिस्पार करते हैं वो एयर जो सॉयल के बीच में प्रेजेंट है वहाँ से वो करते हैं सांस लेते हैं ठीक है इतना क्लियर है हमने डिस्कस किए हैं अभी सी की और डेजर्ट की दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट्स हैं सी में बहुत ज्यादा पानी है और डेजर्ट में पानी नहीं है बहुत ज्यादा रेत है अब अब देखो अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया है कि हैबिटेट सी में कैसी होती है और डेजर्ट में कैसी होती है अब हम अडाप्टेशन भी देख लें कौन से एनिमल्स जो सी में और डेजर्ट में रहते हैं उनकी अडाप्टेशन भी डिस्कस कर सो so, सबसे पहले हम जो है वो कैमल्स की करते हैं कैमल होता है ना ज्यादा डेजर्ट में सो डेजर्ट एरिया की एक एनिमल एक हमने लिया है कैमल कैमल की हम अडाप्टेशन देखते हैं आप देखो यहाँ पे इस स्लाइड में आपकी ये कैमल की राइट साइड पिक बनी हुई है इसको कैमल को आप केयरफुली देखो इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है नॉर्मल एनिमल से डिफरेंट है ना इसकी लंबी लंबी लेग्स हैं ठीक है ठीके? इसकी लंबी सी नेक है सो so, ये जो बॉडी स्ट्रक्चर इसका ऐसा बना हुआ है बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द कैमल हेल्प इट टू तो सरवाइव इन डेजर्ट ये कैसे हेल्प करता है डेजर्ट में रहने के लिए जब इतनी लंबी लंबी लेग्स हैं ना उसकी जो ये लंबी लंबी लेग्स हैं देखो वो उसको नीचे जमीन से कितनी दूर रख रही है उसकी बॉडी को ये जमीन से इतनी दूर रख रही है इसी कारण क्या होता है कि जो रेत में गर्माइश है गर्मी है वो हीट उसकी बॉडी को नहीं पहुंचती है उसको प्रिवेंट करती है हीट से ठीक है सो लॉन्ग लेग्स ऑफ कैमल हेल्प्स इट टू रिमेन अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड देन कम्स कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है वो ऐसा बना हुआ है कि वो बहुत कम पानी जो है वो Uh, निकालता है वेस्ट डिस्चार्ज uh, करता है बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ कैसे जैसे उसको पसीना नहीं आता है उसका जो डंग है वो बहुत ड्राई होता है जो एक्सक्रीट करता है एक्सक्रीशन में उसकी जो वो डंग वो एक्सक्रीट करता है वो बहुत ज़्यादा सूखा होता है वो इसीलिए सूखा होता है ना क्योंकि वो पानी उस वो ज़्यादा नहीं पी रहा है और वो यूरिन बहुत कम एक्सक्रीट करता है यूरिन भी उसका ज़्यादा नहीं है तो मीन्स वाटर लॉस बॉडी से बहुत ज़्यादा कम है स्वेट वो नहीं कर रहा है यूरिन उसका कम है और जो वो डंग है उसका बहुत ड्राई है ठीक है सिर्फ इन चीज़ों के कारण कैमल को है जब उसकी जो एक्सक्रीट करता है पानी बहुत ज़्यादा कम करता है वो लूज़ बहुत ज़्यादा पानी डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा कम कर रहा है तो इस कारण वो पानी जो है कैमल जो है वो पानी के बिना बहुत ज़्यादा दिन निकाल लेता है कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज कैमल की एक और स्पेशलिटी है बेटा कैमल एक ही बार में कट्ठा इतना पानी पी लेता है वो काफ़ी दिन के लिए रह जाता है बिना पानी पिए बिना वो अपनी हम्प में जो है ये हम्प है जो उसकी कैमल की ये जो हम्प है ये देखो इस पिक में ये जो हम्प है यहाँ पे वो पानी एक्स्ट्रा स्टोर कर लेता है और इसके कारण वो बहुत देर पान बहुत दिन तक बिना पानी के रह लेता है ठीक है तो ये कैसे कैमल जो है अपने आप को अडेप्ट करता है डेजर्ट में रहने के लिए उसके क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं या आपको एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है उसकी क्या क्वालिटीज हैं या क्या उसके फीचर्स ऐसे हैं जिसके कारण कैमल्स जो है वो डेजर्ट में आराम से सरवाइव कर सकता है तो आपको ऐसे आंसर अटेम्प्ट करना पड़ेगा ओके okay? ये देखो फिश की अडाप्टेशन हमने आ, 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 सी में करनी है तो ये देखो जो फिश है हमारी इसकी आप राइट साइड पे ये पिक देखो ये जो पिक है ये इसकी जो बॉडी है वो किस शेप, वो शेप की है स्ट्रीम्ड लाइन शेप की है स्ट्रीम लाइन शेप के कारण क्या होता है वो बॉडी की स्ट्रक्चर बॉडी का ऐसा है जिसके कारण वो आराम से फिश जो है वो पानी के बीच में उधर उधर जा सकती है ठीक है फिश में जो होते हैं वो स्लिपरी स्केल्स हैं बॉडी पे स्लिपरी स्केल्स होने के कारण क्या है कि वो इजीली पानी में इधर उधर डायरेक्शन चेंज कर सकती है जहाँ मर्जी मूव कर सकती है ये जो है वो पानी से फिश को बचाते भी हैं ठीक है ठीके? और जो उसकी फ्लैट फिन्स और जो उसकी टेल है जितने उसकी फिन आ, फिश की फ्लैट फिन्स और टेल्स जो हैं फिन्स, फिन्स कौन से होते हैं यू नो ये देखो ये देखो तो ये इसके फिंस हैं ये सारे फिन्स हैं और जो इसकी ये टेल है ये जो फ्लैट होती हैं ये फ्लैट की होती हैं इससे वो आराम से डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं इधर से उधर उधर से उधर वो सारी वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए उनको ईजी रहता है और उससे उनकी बॉडी जो है पानी में बैलेंस में रहती है और फिश कैसे और नेक्स्ट है कि फ्रिश कैसे रिस्पायर करती है वो सांस कैसे लेती हैं फ्रिश के नोज नहीं होता फिश के गिल्स होती हैं ये अपने गिल्स से रिस्पायर करती हैं सांस लेती हैं और ये सांस कहाँ से लेती हैं फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन वाटर जो वाटर के बीच में हमारी एयर होती है उसे वो सांस लेती हैं ठीक है ठीके? ये देखो मैंने आपको इसके ये स्केल्स नहीं बताए थे ये जो लाइने लाइने लगी हुई ना ये सारी इसकी स्केल्स हैं, ठीक है ठीके? स्लिपरी होते हैं स्केल्स ये बहुत ज़्यादा सो so,

डिफ्रेंसिएट होती है डिफरेंस टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक हैबिटेट्स टेरेस्ट्रियल बेटा क्या होता है टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे जो है और एक्वाटिक का मतलब क्या होता है पानी में जो है हमने ये चीजें डिटेल में डिस्कस करनी है अभी ये बेटा सिर्फ आपकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन हैबिटेट्स की टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे जिसमें हम वाइडर ज़्यादा डिटेल में हैबिटेट्स की क्लासिफिकेशन uh, हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेट टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या-क्या आते हैं प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं जो हमारे लैंड पे रहते जमीन पे रहते हैं उन सबको हम कहते हैं कि वो सारे क्या रह रहे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में दिस अ फॉरेस्ट होगे ग्रासलैंड्स होगे डेजर्ट्स होगे कोस्टल हो गया कोस्टल एरिया बोला मींस नियर सी माउंटेन रीजनस होगे ये सारे एग्जांपल्स हमारी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की, ठीक है मतलब जो जमीन पे रहते हैं ऑर्गेनिजम्स उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होगी जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स पे रह रहे हैं और इसके बीच में सारे जमीन पे जो हमारे जौनसी जौन सी जगह पे आप रह सकते हो फॉरेस्ट में रह सकते हैं ग्रास लैंड में रह सकते हैं डेजर्ट्स में रह सकते हैं कोस्टल और मेरे एरियाज में रह सकते हैं माउंटेन रीजन्स में रह सकते हैं ठीक है सो ये है हमारी टेरेस्टल हैबिटेट्स क्या होती है बाकी हम पूरा ये डिटेल में इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है ठीक है नेक्स्ट कम्स एक्वाटिक हैबिटेट्स एक्वाटिक हैबिटेट्स क्या होता है एक्वाटिक मीन्स वाटर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पानी में रहते हैं उनको हम कहते हैं होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट लिव इन वाटर आर टू लिव इन एक्वाटिक हैबिटेट्स ठीक है इसकी क्या है एग्जाम्पल्स जैसे लेक्स होगी रिवर्स होगी ओशंस हो पॉन्ड्स होगी सी हो गया ये सारी एकवैटिक हैबिटेट्स की एग्जाम्पल्स है वो सारी जहाँ जगह पे जहाँ पानी में रह सकते हैं ओके okay. नाउ नेक्स्ट कम्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पोनेंट्स हैबिटेट्स के क्या क्या है आपको पता होने चाहिए ठीक है इस छोटा सा एक मैंने फ्लोर चार्ट बनाया है तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स में पहले ये देखो ये दो ब्रॉडर क्लासीफिकेशन है बायोटिक कॉम्पोनेंट एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट ठीक है एक बायोटिक होती है और एक अबायोटिक होती है बायोटिक कौन सी होती है जिसमें लिविंग थिंग्स आती है लिविंग बींग्स आते हैं मतलब जो सांस लेने वाली चीज़ें आती है बायोटिक में ये ध्यान रखना अपने बायोटिक में क्या होता है सांस लेने वाली लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गए एनिमल्स गए ये सारे कहाँ आएंगे हमारे ये सांस लेते हैं ना इसलिए सारे हमारे ये बायोटिक में आएंगे ठीक है और सेकेंड मेन कॉम्पोनेंट है हमारा अबायोटिक कॉम्पोनेंट अब कॉम्पोनेंट में क्या आएगा अब लिविंग हमारा हो चुका है तो अब अबायोटिक में कौन सा आएगा नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो सांस नहीं लेती जो सांस नहीं लेती उसमें आ जाएगा जैसे रॉक रॉक्स आ गया एयर आ गया वाटर आ गया सॉयल आ गया टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ये सारी चीज़ें सांस नहीं लेती हैं तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी अबायोटिक में ठीक है लिविंग में बायोटिक कॉम्पोनेंट्स कौन से हैं लिविंग कॉम्पोनेंट्स लिविंग थिंग्स जिसमें आएंगी और अबायोटिक में नॉन लिविंग है ठीक है अगर आपको पेपर में आता है क्वेश्चन थ्री मार्क्स का तो आप इस टाइप का फ्लोर चार्ट बना सकते हो क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना अगर आपने लिखना इन्हीं को आप लाइंस में लिखोगे बहुत सम टाइम्स क्वेश्चन आ जाता है पेपर में डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्पोनें ये बेटा आपको थ्री मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है तो इस क्वेश्चन में अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आ गया तो हाउ विफ्रेंसिएट आप कैसे अटेम्प्ट करोगे वो देखो अब वो कह रहे हैं बा, अभी हमने यही बात की थी ना कौन से होते हैं फैक्टर्स लिविंग थिंग्स रहते हैं ना उसमें सारी जो सांस लेती हैं और में कौन सी होती है नॉन लिविंग थिंग्स अब द नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ एन इको सिस्टम सेकेंड हमने क्या किया है? बायोटिक फैक्टर्स डिपेंड ऑन अबायोटिक फैक्टर्स फॉर देयर सर्वाइवल अब देखो बायोटिक जो सांस लेती हैं हमने किए प्लांट्स एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स बायोटिक्लायोटिक फैक्टर्स डिपेंड ऑन ऑन नॉन बाय फैक्टर्स फॉर देयर सर्वाइवल अबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं रॉक सॉयल एयर वाटर ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ये सारी चीजें हैं तो हमें देखो सांस चाहिए लेना है हमें हवा चाहिए पानी चाहिए ये सारी चीजें हमारे को चाहिए जिंदा रहने के लिए अपने सर्वाइवल के लिए

बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है नेक्स्ट सर्वाइवल वो कहता है, बायोटिक फैक्टर्स जो हैं प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सारी चीजें ये सारी चीजें जिंदा रहने के लिए अपने आप को माहौल के हिसाब से चेंज करते हैं आप देखो आप ह्यूमन बींग्स हो, आप लोग यहाँ पे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दी थी मैं दोबारा दे रही हूँ अब जैसे अब हम नॉर्थ में रहते हैं नॉर्थ में ठंड भी है गर्मी भी है राइट इफ़ वी गो टू साउथ इंडिया साउथ इंडिया में इतनी ठंड नहीं है बट गर्मी ज़्यादा सो so हम ये तो नहीं है ना कि हम नॉर्थ इंडियन साउथ में जाके नहीं रह सकते या साउथ इंडियंस नॉर्थ में आके नहीं रह सकते शुरू शुरू में इन इनिशियल टाइम हर एक को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पर फिर उसके बाद में अपने बॉडी वैसी इम्यून बन जा हो जाती है अपने वैसे ढांचे में डल जाती है हम अडाप्ट कर लेते हैं चेंजेस को ठीक है एंड अबायोटिक फैक्टर्स डू नॉट अडाप्ट एनी चेंज अबायोटिक फैक्टर्स कोई चेंज अडाप्ट नहीं करते हैं और प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक कॉम्पोनेट्स प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बायोटिक कॉम्पोनेट्स हैं और एयर वाटर सॉयल रॉक्स आर अबायोटिक फैक्टर्स वो हमारे अबायोटिक है ये हम कर चुके हैं ना डिस्कस ठीक है सो ये आपका डिफरेंस है बायोटिक एंड क्लाइमेटाइजेशन नाउ वॉट इज अ क्लाइमेटाइजेशन अटाइजेशन अलाइमेटाइजेशन बेसिकली देखो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में थोड़े टाइम के लिए अगर कोई चेंज आती है अपने आप को चेंज करते हैं हम कुछ टाइम के लिए उस माहौल में एडजस्ट होने के लिए तो उसको हम एयर क्लाइमेटाइजेशन कहते हैं ठीक है आई रिपीट अगर हम ह्यूमन बींग्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और उस जगह में एडजस्ट होने के लिए उसको अपने आप को थोड़ा टाइम वो ले रहा है थोड़ा सा उसको उसके उसमें थोड़ा सी चेंजेस आ रही हैं उसको हम कहते हैं अक्लाइमेटाइजेशन ये ध्यान रखना है अक्लाइमेटाइजेशन बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती है सो अक्लाइमेटाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजेस डैट कैन अकर इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ठीक है इसकी जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ मान लो आप प्लेन्स में रह रहे हो ठीक है और जैसे जैसे आप हाइट पे थोड़ा जाओगे थोड़ा ऊपर जाओगे आसमान के पास या माउंटेन्स में जाओगे हायर माउंटेन्स में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे कई लोगों को क्या होता है सांस की दिक्कत आती है ठीक है तो उनको जितनी सांस लेने में दिक्कत आती है वो थोड़े टाइम के लिए आती है उसके बाद में अपने एडजस्ट हो जाता है वो सो so, उसको हम अक्लाइमेटाइजेशन दे कहते हैं या आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ जैसे हम जैसे जैसे हम माउंटेंस में जाते हैं पहाड़ों में जाते हैं आप हाइट पे जाना शुरू करते हैं आप देखो कई लोगों के ना ईयर्स बंद हो जाते हैं सो so, वो परमानेंट बंद नहीं होते हैं वो फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम माउंटेन्स में जाते हैं अब प्लेन से तो हमारी बॉडी का जो फ्लो है वो चेंज हो जाता है एटमोसफेयर हमारा चेंज हो जाता है तो हमारी बॉडी को उसमें एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है जैसे हम माउंटेन से नीचे उतरते हैं हमारे कान खुल जाते हैं ठीक है सो so, ये एक एग्जाम्पल एयर क्लाइमेटाइजेशन की है ठीक है बेटे सम टाइम्स इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाता है एन के ये एन का टॉपिक है इसके ऊपर वन मार्क टू मार्क आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है और ये बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता ज्यादा से ज्यादा वो आपसे हम आपसे अक्लामेटा पूछ सकते हैं होता क्या है और उसकी एग्जाम्पल सो दिस क्लास अकॉर्डिंग टू एन सी आर टी ठीक है डिस्कस करनी है इसकी ब्रॉडर क्लासीफिकेशन ऑफ हैबिटेट्स तो ब्रॉडर क्लासीफिकेशन हैबिटेट्स की क्या है आपने पहले हमने डिस्कस किया है कि टू उसकी क्लासिफिकेशन में टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड हैबिटेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं अब ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आपको पता है कि जो हैबिटेट्स मीन्स जो आपकी जगह जो जमीन के ऊपर सरफेस के ऊपर लैंड सरफेस पे आती है दीज आर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स तो इसकी एग्जाम्पल्स आगे ब्रॉडर क्या है डेजर्ट से माउंटेन रीजन्स हैं और ग्रास हैं। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे ऐसे ही हैबिटेट का दूसरा कॉम्पोनेंट क्या दूसरी की किस इसमें हो रही है एक्वाटिक हैबिटेट्स एक्वाटिक हैबिटेट्स में ओशंस हैं पॉन्ड्स और लेक्स हैं। सो ये हमारी मेन ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ हैबिटेट्स का है, है जो हमने इसको डिस्कस करना है पूरा डिटेल में ठीक है अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे जैट है हाबिटेट uh, में हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्लासीफाई क्लासिफाई क्लासीफाई किया और हमने एक्वाटिक हैबिटेट में दो चीज़ों में से क्लासीफाई किया है सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की ब्रॉडर जो क्लासीफिकेशन है जिसमें हमने डेजर्ट्स हमने डिस्कस करने हैं हमने ग्रास लैंड डिस्कस करना है और हमने माउंटेन्स डिस्कस करना है ठीक है सो so, अब हम ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले डेजर्ट्स के ऊपर एनिमल्स में हम कैमल को डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में उसके कौन से कौन से फीचर्स हैं और क्या है कैसे है अब कल्ला एक डेजर्ट में सिर्फ कैमल ही तो नहीं रहता ना और भी एनिमल्स रहते हैं डेजर्ट में जैसे रैट्स हो गए हो होगी तो अब ये रैट्स और स्नेक्स जो हैं अब इनकी तो ये तो टॉल ज़्यादा नहीं है ना जैसे कैमल हमारा इतना लंबा उसकी इतनी लंबी लंबी लेग्स हैं वैसे हमारे रैट्स और स्नेक्स की तो नहीं है स्नैक्स स्नेक्स क्या करते हैं वो तो क्रॉल करते हैं जमीन पे और रैट्स क्या है तो छोटे छोटे होते हैं है ना वो तो हिप हॉप करते हैं जंपिंग करते हैं या क्रॉल करते हैं ऐसे ही चलते हैं ना वो आराम से तो वो तो ज़मीन में ही रहेंगे सो अगर ज़मीन में रहते हैं डेजर्ट्स में ये दिक्कत है आपने पहले डिस्कस किया हुआ है डेजर्ट में बेटा आपकी रेत जो है वो बहुत जल्दी गर्म बहुत ज्यादा हो जाती है और ठंडी बहुत ज्यादा होती है ये आपके डेजर्ट में मैंने फीचर डिस्कस करवाया था कि डेजर्ट्स में डेज आर वेरी कोल्ड सॉरी डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ठंड होती है क्योंकि रेत जो है वो गर्म भी जल्दी हो जाती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है सो so, इसलिए रैट्स और स्नेक्स क्या करते हैं वॉट डू डूट्स रैट्स और स्नैक्स क्या करते हैं दिन में जब इतनी गर्मी होती ना तो बेचारों की लंबी लेग्स है उनके बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है उसको क्रॉल करना पड़ता है या नीचे जमीन पे ही रहते हैं तो इस केस में रैट्स एंड स्नैक्स क्या करते हैं अपने आप को ठंडे माहौल में रखने के लिए डेजर्ट की गर्मी से बचाने के लिए वो रेत के नीचे बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके नीचे जाके वो बुरोज बनाते हैं और वहाँ पे रहते हैं ये देखो जैसे मैंने आपको ये पिक्चर अब दिखाई हुई है ये ऊपर डेजर्ट है और ये नीचे ज़मीन में ज़्यादा नीचे जाके यहाँ पे रैट्स एंड स्नैक्स अपनी बुरोज बनाते हैं देखो रैट बैठा है यहाँ पे स्नेक्स है ये अपने बुरोज बनाते हैं और यहाँ पर ये रहते हैं ठीक है तो अगर जब वो इतनी ज़्यादा नीचे जाके डेप्थ में रेत में जाके रहते हैं तो वहाँ पे वो अपने आप को रे डेजर्ट की गर्मी से बचा लेते हैं और अब दूसरी बात आती है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सांस कैसे लेंगे सो so, वो सांस कैसे लेते हैं आप लोगों ने आपको पता है ये कि सैंड में भी जो होती है वो एयर होती है सैंड में एयर डिजॉल्व होती है तो वो जो एयर सैंड में डिजॉल्ड होती है वहाँ से वो एयर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेशन वहाँ से होती है उनकी ठीक है और ये जो एनिमल्स जो बुरोज में रहते हैं वो सिर्फ रात को निकलते हैं जब ठंडा हो जाता है दिन में क्योंकि बहुत गर्मी होती है तपरी होती है रेत इसलिए वो दिन में नहीं रहते हैं दिन में वो सारा दिन वो बुरोज में छुपे रहते हैं और रात को जब ठंडा हो जाता है तब वो बाहर निकलते हैं ठीक है सो ये सारा था हमारा डेजर्ट एनिमल्स का कैमल का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब हमने रैट्स और स्नेक्स का डिस्कस किया है डेजर्ट एनिमल्स इंक्लूड्स कैमल्स रैट्स एंड स्नेक्स रैट्स एंड स्नेक्स डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड ये मैंने आपको बताया ना उनकी लंबी लाते तो है नहीं बॉडी स्ट्रक्चर उनका ऐसा है सो रैट्स एंड स्नेक्स लिव इन बुरोज डीप इनसाइड द सैंड एन टू कीपम सेल्व अवे फ्रॉम हीट इसलिए वो बुरोज में रहते हैं अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए इज फ्रॉम एयर इन सैंड दीज एनिमल्स कम आउट ओनली एट नाइट वेन इट इज कूलर सो ये है हमारी डेजर्ट एनिमल्स की कैमल्स की हम डिस्कस कर चुके हैं रेड की हैबिटेट ठीक है आगे चल इस पिक को आप ध्यान से देखो बेटे इस पिक में देखो सारा नीचे डेजर्ट एरिया ही है और यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स हैं तो ये प्लांट्स देखो कैसे जमीन में उगे हुए हैं जहाँ पे पानी नहीं है जहाँ पे ज़्यादा हरियाली नहीं है सो so, ये प्लांट्स में इन एरियाज में डेजर्ट एरियाज़ में दीज प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपरेशन ये पानी लूज कम करते हैं ट्रांसपीरेशन के थ्रू ट्रांसपरेशन प्रोसेस आपको पता है ना कि आप देखते हो ना ट्रांसपरेशन से जो प्लांट्स हैं वो अपना वाटर लूज करते हैं बाहर निकालते हैं एक्सेस वाटर ये मैंने आपको पहले डिफरेंस में भी बताया लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अब ये देखो जब डेजर्ट एरिया में पानी कम है आपने हमने डिस्कस किया था आपने पहले देखा भी है ना कि कैमल्स बहुत ज़्यादा पानी कम पीते हैं वहाँ पे पानी अवेलेबलिटी कम है ऐसे ही प्लांट्स का है प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा पानी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पानी लूज कम करेंगे लूज कम करेंगे तो ऑब्वियसली इनटेक भी कम होगी तभी लूज कम करेंगे ना सो डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है या तो लीव्स होती नहीं है आप देखो कभी डेजर्ट के जो प्लांट्स है कैक्टस है सबसे कॉमन आपने देखा होगा उसमें कांटे कांटे से होते हैं उसमें या तो लीव्स होती नहीं अगर लीव्स होती हैं तो बहुत छोटी होती है बहुत ज़्यादा छोटी होती है वो कांटों की फॉर्म में स्पाइनस की फॉर्म में होती हैं बहुत ज़्यादा छोटी कैक्टस का अगर आपने कभी देखा हो तो कांटे ही होते हैं उसके जो इसकी जो स्पाइन होती हैं और जो इस पर जब ग्रीन लीव्स ही नहीं होती हैं तो उनका अब भेगे है तो ग्रीन प्लांट तो उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो होगा अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन करता है वो हमारी लीव्स करती हैं पर डेजर्ट प्लांट्स के केस में लीव्स जब एबसेंट हैं या बहुत छोटी हैं तो लीव्स नहीं करेंगी तो कौन क्या करेगा स्टेम्स करेंगी ठीक है इनकी स्टेम्स में बहुत थिक वैक्स लेयर होती है जो उनको पानी को रिटेन करने की एबिलिटी देती है अब देखो अगर आप देखो ये जो आपका एलोवेरा प्लांट है एलोवेरा प्लांट भी आपका डेजर्ट प्लांट ही है वैसे तो उसके बहुत थिक वैक्स होती है अगर आपने देखा हो नॉर्मली घरों में भी हमने सबने लगाए होते हैं एलोवेरा प्लांट्स तो उसको ये पानी इनटेक कम होती है और उस केस में क्या है एक बहुत थिक थिक वैक्सी लेयर होती है जो जिससे जिसके कारण पानी उसका उसके अंदर ही रहता है वो लूज नहीं करता ज़्यादा और जितने आपके डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उन सब की बेटे रूट्स बहुत डीप होती हैं वो रूट्स डीप होने का एक कारण है कि वो ज़्यादा डूंगी रूट्स होंगी तो ज़मीन में ज़्यादा नीचे तक जाएंगे और नीचे ज़मीन का जो पानी होगा सॉइल में जो पानी होता है वो पानी वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं ठीक है सो so, ये बेसिकली हमारा डेजर्ट प्लांट्स का ये हमारे फीचर्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं ठीक है आपको पता होना चाहिए डेजर्ट प्लांट्स के और डेजर्ट एनिमल्स के राइट आगे सेकेंड हमारा जो टेरेस्ट्रियल लैंड uh, वो आता है हैबिटेट आता है वो आता है हमारा माउंटेन रिजन क्या है माउंटेन रिजन में एक तो बहुत ठंड होती है और ठंडी हवाएं चलती है विंडी वेरी कोल्ड एंड विंडी और माउंटेन्स में स्नोफॉल होती है विंटर्स में तभी लोग देखो माउंटेन्स में घूमने जाते हैं विंटर्स में स्नोफॉल का आनंद लेने के लिए और गर्मी से बचने के लिए हम माउंटेन्स में लोग घूमने जाते हैं ठीक है तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स के बारे में माउंटेन्स में प्लांट्स कैसे होते हैं नाउ यू आप लोग इसकी पिक देखो ये देखो ये जो है सारे कौन शेप्ड है ना ऐसे कौन शेप्ड होते हैं नॉर्मली प्लांट्स ट्रीज में माउंटेन्स में इन सब की कौन शेप्ड होते हैं और इनकी यह जो उनकी ब्रांचेस होती हैं वो नीचे को स्लोप होती है नीचे को स्लोप क्यों होती हैं वो इसलिए होती हैं ताकि अगर बारिश होती है या स्नो हो पड़ती है तो वो आराम से नीचे ड्रिजल आउट हो सके ठीक है और इसकी some trees have -like leaves. कुछ हैव नीडल लाइक लीव्स कुछ ट्रीज की मतलब सुइयों की तरह एकदम से सुइयों की तरह उसकी लीव्स होती है तिखी तिखी लीव्स होती हैं नीडल लाइफ शेप ऑफ लीव्स क्यों होती हैं उससे क्या होता है उससे ये होता है कि जो रेन वाटर है स्नो है वो ताकि आराम से नीचे गिर जाए उसके ऊपर ठहरी ना रहे वो नीचे स्लाइड हो जाए ठीक है सो दीज आर मेन प्लांट्स विच आर अवेलेबल इन माउंटेन्स और दीज आर द फीचर्स ऑफ द प्लांट्स विच आर अवेलेबल इन माउंटेन्स, राइट एनिमल्स अब एनिमल्स कैसे होते हैं माउंटेन्स में एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन्स इंक्लूड्स याक्स, स्नो लेपेड माउंटेन गोट्स, जाइंट पैंड एंड मैनी मोर। आपको पता ही है ना याक होता है स्नो लेपेड होता है माउंटेन गोट्स होती हैं फिर ये जाइंट पैंडा होता है और बहुत सारे एनीमल्स हैं जो आपको माउंटेन्स में मिलते हैं ये नॉर्मल जगह पे नहीं होते ज्यादा माउंटेन्स में होता है ये बर्फ में ठंडे इलाके में रहना पसंद करते हैं अब इनमें क्या इनमें भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं ना ताकि ये अब वहां पे रह सके इनकी देखो दे हैव थिक फर और स्किन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड देख देखो इनकी जैसे आपके एनिमल्स है याक है गोट है या ये यहाँ पे स्नो लेपर्ड तीन की पिक्स लगाई हुई है मैंने इन सब की देखो मोटी मोटी फर है या इनकी चमड़ी बहुत मोटी है ताकि वो ठंड से बचे रहें या फर ज़्यादा होती है या मोटी चमड़ी होती है ताकि इसके कारण ये इनको ठंड ना लगे ठंड से ये बच के रहें अब देखो सबसे पहले बात करते हैं स्नो लैपेड की स्नो लैपेड हैज फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग इट्स फीट एंड टोज अब ये देखो बेटे ये आपकी पिक है स्नो लैपेड की स्नो लैप देखो बर्फ़ नीचे आसपास पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है तो ये बर्फ़ में क्या है वो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है कि उसकी थिक फर होती है बहुत मोटी फर होती है ना और उसकी जो फर है वो पूरी बॉडी पे देखो ऊपर से लेके नीचे तक ये इसकी टेल पूरी कवर्ड है थिक उस फर से उसके पैर भी टोज भी सारे उसे कवर्ड है ताकि वो पैर जब टोज अपने वो फीट नीचे रखेगा बर्फ़ में तो उसको ठंड ना लगे उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम माउंटेन गोड्स पे माउंटेन गोड्स के हैज स्ट्रॉन्ग हु फॉर रनिंग अप इनकी स्ट्रांग हुव्स होती है भागने के लिए कहाँ भागती हैं भाग, है? भाग कहाँ पे भागने के लिए जो आपके माउंटेन्स में रॉकी स्लोप स्लोप्स होती है कभी आप माउंटेंस में जाओ तो वहाँ पे बड़े ध्यान से हम लोगों को चलना पड़ता है क्योंकि उनकी बहुत रॉकी पथरीली जमी uh, वो होती है जगह होती है आप देखो जो माउंटेन्स पे जो लोग रहते हैं वो तो भागते रह फिरते हैं पर अगर कोई प्लेन्स प्लेन्स में रहने वाला बंदा माउंटेन्स में जाता तो उसको थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि हम उस माहौल के लिए एडजस्ट नहीं हुए होते और हमारे को वहाँ पे उतरना चढ़ना बहुत मुश्किल लगता है ठीक है थर्ड है हमारा yaks, ये रहा याक अब याक के देखो ये लंबे लंबे हेयर्स हैं याक्स हैव लॉन्ग हेयर्स टू कीप दम वॉर्म ये लंबे लंबे यहाँ से क्या होता है वो उन उनकी बॉडी गर्म रहती है उनको ठंड नहीं लगती तो ठीक है ये हमने डिस्कस किया एनिमल्स का माउंटेंस में आपको पता होना चाहिए बेटा स्नो लेपर्ड ये आपकी एनसीआरटी के अकॉर्डिंगली है स्नो लेपर्ड के क्या फ़ीचर्स हैं माउंटेन गोड्स के क्या फीचर्स हैं याक के क्या फीचर्स हैं अगर आपको मार्क क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए तीसरा हमारा आता है जो हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हमने दो डिस्कस कर लिए हैं कर लिए एक हमने डिस्कस किया है अभी तक डेजर्ट्स और एक हमने डिस्कस किया है माउंटेन रिजिंस अब हम डिस्कस करेंगे ग्रास लैंडस ग्रास -लेंद्स. अब ग्रास बेसिकली वो एरियाज होते हैं जहाँ पे वेजिटेशन आर नॉर्मली डोमिनेटेड बाय ग्रासेस जहाँ पे पूरा आसपास हरियाई हरियाई होती है ग्रास ही ग्रास होती ग्रास लैंडस आर नॉर्मली फाउंड इन ड्राई इंटीरियर ऑफ कॉन्टीनेंट्स कॉन्टीनेंट्स के बीच में अंदर वाली जगह पर जहाँ पे, पे ड्राई इंटीरियर्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है वहाँ पर हमारे ग्रास लैंडस होते हैं डीजेबिटेड रिसीव मोर रेन देन डेजर्ट्स मतलब ये डेजर्ट से ज़्यादा रेन लेते हैं पर बहुत ज़्यादा भी रेन एवरी टाइम रेन ही होती थोड़ा ड्राई होता है ठीक है सो so, ये तो बेसिकली हम हमने हैबिटेट डिस्कस किया अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स ग्रासलैंड्स में कौन से कौन से एनिमल्स जो ग्रासलैंड्स में होते हैं ग्रास ग्रासलैंड में देखो बेटा वो यहाँ पे ज्यादा प्रे एंड प्रेडेटर्स का ही गेम चलती है ग्रासलैंड्स में और इस केस में प्रे एंड प्रीडेटर्स दोनों की दोनों जो है बहुत सारे इनके फीचर्स होते हैं इनके रहने के लिए अब प्रे क्या है प्रीडेटर क्या है आपको ये भी होना पता होना चाहिए प्रीडेटर वो होता है जो शिकार करता है ओके okay? प्रीडेटर जो शिकार करता है और प्रे जिसका शिकार होता है जैसे फॉर एग्जांपल लायन जंगल का राजा है लायन जो है वो हमारा कार्निवोरस है कार्निवोरस है वो ज्यादा वो ज्यादा क्या ही ऑलवेज टेक नॉन उसको फ्लैश चाहिए खाने के लिए सो लायन इज अ प्रिडेटर वो शिकार करता है ना मतलब तो लायन इज अ प्रिडेटर और प्रे कौन है जिनका शिकार होता है जिस शिकार जैसे इसमें आप जिसका शिकार कर रहे हो इस केस में हमने लायन को और प्रे, प्रे, प्रे लायन को प्रिडेटर और प्रे को हमने डियर की एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है नेक्स्ट स्लाइड में ओके okay? ऊपर चलते हैं है। ये देखो की हमारी यहां पे मैंने पिक लगाई हुई है ये लाइन की ये जंगल का राजा है ये लाइन है अब ये देखो इसमें हम पढ़ते हैं लाइन इज अ किंग ऑफ फॉरेस्ट हम ये कहते हैं ना जंगल का राजा है कानी वोर्स एनिमल है लाइन डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स फॉर फूड वो ईटिंग एनिमल हैं तो वो ऑब्वियसली दूसरे animals, दूसरे एनिमल्स ऑब्वियसलीविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है खाने के लिए उसके क्या है आप ये पिक में देखो बेटे इसके शार्प क्लॉज हैं ऐसे ही आगे वाले ऐसे ही पीछे वाले शार्प क्लॉज होते हैं ताकि वो आराम से अपने शिकार को प्रे को वो पकड़ सके और उसकी बॉडी को फाड़ सके क्योंकि उसने फ्लैश खाना है टू कैच होल्ड एंड टीयर द बॉडी ऑफ प्रे ठीक है इसका ये कौन से कलर का होता है ये ब्राउन कलर का होता है जो इसका कलर है स्किन का वो उसको हेल्प करती है ताकि वो ग्रास लाइन में आराम से छुप जाए पता ही नहीं चलता वो कहाँ है एक तो ये जो लाइन है कैट फैमिली में इंक्लूड होता है तो ये जो कैट फैमिली है जब ये चलती है तो इसका पता ही नहीं चलता कि कैट फैम ये आ गए हैं ये बिना आवाज़ के चलते हैं इनकी ये स्पेशल फीचर है और इसकी आंखें देखो अब इट्स शार्प आइज हेल्प इट्स टू फोकस ऑन इट्स प्रे इसकी जितनी आंखें इतनी तीखी होती है बड़े ध्यान से अपने ये प्रे को ध्यान से देखता है ताकि वो उसको पकड़ सके उसका शिकार कर सके ठीक है और इसके जो दांत हैं लॉन्ग एंड स्ट्रोंग डेट हेल्प इन द फ्लैश उसके दांत इतने पावरफुल और स्ट्रोंग होते हैं लंबे होते हैं ताकि वो अपनी शिकार को आराम से पकड़ सके और उसको उसका फ्लैश को वो खा सके ठीक है सो ये हमने लाइन के बाद में डिस्कस किया है जो हमारा प्रिडेटर है ग्रास में ठीक है अब हम हमारा प्रे है ये देखो ये हमारा डियर है ये प्रे है ये देखो आसपास पूरा ग्रीनी ग्रीन ही ये हार्बीवोर्स है वो हार्बीवोर्स मतलब वो सिर्फ जो प्लांट्स को ही खाता है फूड आइटम्स को खाता है नॉर्मल को जो प्लांट से बनी हुई थी फ्लैशिटिंग नहीं है इसके जो है रियर के दांत बहुत स्ट्रोंग होते इट हैज़ स्ट्रोंग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट इसके दांत बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं ताकि वो तब जंगल में देखो पेड़ों की हार्ड स्टेम्स होती हैं वो आराम से उनको पकड़ के च्यू कर सके इसलिए और इसके कान देखो कितने लंबे लंबे हैं इट हैज़ लॉन्ग हिर्स स टू हीयर द मूवमेंट्स ऑफ रेटर्स इसके लंबे लंबे कान इसलिए बने हुए हैं ताकि वो ध्यान से अपने को अगर कोई उसका शिकार करने आ रहा है तो वो उसको आवाज़ को सुन सके उसको पता चले और इसकी आंखें देखो लायन की आंखें आगे थी इसकी आंखें देखो साइड पे हैं। ये साइड पे आंखें क्यों हैं ताकि वो चारों डायरेक्शन में देख सके उसका कहीं जो उसको कोई शिकार करने तो नहीं आ रहा लाइन तो नहीं आ रहा उसको खाने के लिए ठीक है और एक है कि वो देखो चलता हुआ जो आपका डियर है वो बहुत फास्ट चलता है उसकी स्पीड बहुत तेज है ताकि वो आराम से अपना बचाव कर सके सो दीज आर फीचर्स जिसके कारण डियर जो है वो ग्रास लैंड पे सरवाइव हो जाता है ठीक नाउ कम्स एक्वाटिक हैबिटेट्स अब एक्वाटिक हैबिटेट क्या होता है एक्वाटिक मीन्स पानी में रहने वाली हैबिटेट हमने वो डिस्कस कर सबसे पहले आएगा ओशंस पहले हम ओशन डिस्कस करेंगे फिर हम पॉन्ड्स एंड लेक्स डिस्कस करेंगे ठीक है या सी ओशन और सी एक ही चीज आ जाएगी उनमें हम देखेंगे सी एनिमल्स इंक्लूड्स फिश ऑक्टोपस स्क्विड्स डॉल्फिन्स मी वेल्स एंड मोर सी एनिमल्स कौन से कौन से हैं नॉर्मली हम फिश कहते हैं पर जो फिश देखो जरूरत हो ना सी में मिलती है ये तो आपको लेक्स पे भी मिल जाती है पॉइंट्स में भी मिल जाती है तो ऑक्टोपस सी स्क्वेड्स ये जो सी बेड पे रहते हैं बिल्कुल नीचे पानी में बिल्कुल नीचे रहते हैं वो डॉल्फिन्स और वेल्स जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं फिश है और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे आपको सी में मिलते हैं ठीक है दी सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी बॉडी कभी आपने ऑब्जर्व किया सी जो एनिमल्स की कैसी होती है जब मैंने आपके साथ फिश का डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी है और मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन भी किया था वो स्ट्रीमलाइन बॉडी किस लिए होती है वो इसलिए होती है ताकि पानी में मूवमेंट उनकी इजीली हो सके पानी में वो आराम से चल सके स्ट्रीमलाइन में पानी वो कटता जाता है वहाँ से वो आराम से वो चल पाती है ठीक है जो ये ऑक्टोपस एंड स्क्वेड्स है ये दे स्टे डीप इन ओशंस नियर द सी बेड मतलब वही मैंने आपको बोला स्क्विड्स और ऑक्टोपस जो है वो पानी की समुद्र की ओशंस की बिल्कुल नीचे सी बेड जहाँ पे ख़त्म होता है ओशन बिल्कुल नीचे तरफ बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके वो रहते हैं ठीक है दे के डैट मूव्स अराउंड क्या करती हैं वो आस पास जो भी जानवर ऑर्गेनिज्म जो भी वहाँ पे घूमते होते हैं उनको पकड़ती प्रे प्रेमीन्स उनको पकड़ती हैं ना अपने शिकारी शिकार को प्रे शिकार वो उन चीजों को पकड़ती है जो उनके आसपास घूमता है और वो उनसे अपनी हंगर मिटाती हैं ठीक है थीके? जो ये सी एनिमल्स हैं इनके गिल्स होते हैं रेस्पार करने के लिए फिश के गिल्स होते हैं इन एनिमल्स के पानी में जो रहते हैं गिल्स होते हैं पानी में एयर डिज़ोल्व होती है एयर इज़ डिज़ोल्व इन वाटर ये हम इसलिए जो जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो सारी ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए सी एनिमल्स अपने वाटर से लेते हैं और गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं बट यहाँ चीज़ बताना चाहूंगी कि देखो ये अपने एनिमल फिश वगैरह की सी एनिमल्स की ज़्यादा की गिल्स होती हैं जैसे हम लोगों का ह्यूमंस का नोज होता है इनके गिल्स होते हैं रिस्पायर करने के लिए बट दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल सी एनिमल्स सारे सी एनिमल्स के लिए ये बात नहीं खड़ी होती है कुछ एनिमल्स गिल्स के अलावा उनके क्या होते हैं उनके नॉस्ट्रल्स या ब्लू होल्स होते हैं जो उनके सिर पे सिर के अपर पार्ट पे लोकेट हुए होते हैं और वहां से वो रेस्पायर करते हैं ठीक है अब जो डॉल्फिन है ये देखो ये यहाँ पे जो पिक्स है ये डॉल्फिन की है ये डॉल्फिन आप देखो ऐसे पानी से बाहर को निकलती है वो बाहर क्यों आती है वो बेसिकली सांस लेने के लिए आती है इसके गिल्स नहीं है कि वो पानी से जो अपनी रेस्पायर कर सके इसके सिर के ऊपर ना नोस्टल्स होते हैं या ब्लू ब्लो हेड्स होते हैं ब्लो होल्स होते हैं ये वो ब्लो होल्स से या नॉस्टल से अपने सिर के ऊपर के पार्ट से वहाँ से वो हवा लेती है सांस लेती है बट अब आप बोलोगे कि मैम ये पूरा टाइम तो ऐसे नहीं करती रहती ये तो कभी कभार निकलती है ये कभी कभार क्यों करती है क्योंकि इसमें इसकी बॉडी में एक ये स्पेशल फीचर है कि बहुत सारा टाइम ये बिना सांस लिए निकाल सकती है अब जैसे देखो वी ह्यूमंस हम लोग तो नहीं सांस लिए बिना रह सकते जहाँ देर हमने तो सांस लेना ही लेना ये कंटिन्यूस प्रोसेस हमारा चलता रहता है बट ये जो आपकी वेल्स हैं जिन वो पानी में रहती हैं ये जब ऊपर अपने सा, सांस लेने के लिए पानी के ही तय पे आती हैं और ऐसे जम करती हैं और फिर वो रिस्पायर करती हैं, ठीक है ये बेसिकली वेल जो है वो ऊपर वाली पे पे? ये ऑन द द ऑफ़ सी वो आती क्यों पानी इसीलिए आती है के पे। इसी हैं ताकि वो ब्रीथ कर सके ठीक है ओके अब ये देखो इसमें मैंने आपको दो पिक सिखाई हैं ये वेल की है और ये ऑक्टोपस की है ठीक है so, सो अब मैं ये आपको सारा समझा देती हूँ दोबारा दीज एनिमल्स यूज एयर डिजॉल्व इन वाटर मैंने आपको पहले बताया एयर कंटेन्स वाटर डॉल्फिन डॉल्फिन एंड वेल्स हैव नॉस्ट्रल्स और ब्लो होल्स लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द हेड उनके अपर पार्ट पे नॉस्ट्रल्स या ब्लू होल्स लगे होते हैं जिससे वो डॉल्फिन और वेल्स सांस लेती हैं दे कैन लिव विदाउट ब्रीदिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम वो बिना सांस लिए रह सकती हैं दे कम टू सरफेस टू ब्रीद इन एयर वो सरफेस पे आती ही इसलिए सांस लेने के लिए ठीक है तो ये हमारे था हमने एनिमल्स डिस्कस किए एक्वाटिक जो ओशंस में रहते हैं पॉन्ड्स और लेक्स की पॉन्ड्स पहले हम एक्वाटिक प्लांट्स की बात करते हैं और उसके बाद में एनिमल्स की बात करेंगे सो इक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो थ्री टाइप्स के कैटेगराइज किए जा सकते हैं कौन से कौन से फ्लोटिंग प्लांट्स सबमर्ज प्लांट्स एंड फिक्स प्लांट्स ठीक है अब फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक हाइसेंथ पेस्टिया आर फ्लोटिंग प्लांट्स एज फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर ये आपको आ सकता है पेपर में कि फ्लोटिंग प्लांट्स के नाम पूछ सकते हैं वो आपको के कौन से कौन से तो आप पता होने चाहिए दो प्लांट्स के नाम जैसे यहाँ पे मैंने देखे हास और पिस्ता पिस्तिया ये फ्लोटिंग प्लांट्स हैं ये फ्लोटिंग प्लांट्स हैं होते हैं जो सर पानी के ऊपर वाली टेप है सर्फेस पे वो फ्लोट करते हैं देर स्टेम्स एंड लीव्स आर स्वॉलन एंड स्पॉन्जी इनके स्टेम्स और जो इनकी स्टेम्स और जो पत्तियाँ होती हैं लीव्स जो होती हैं वो हमारे को लगती हैं सूजी हुई हैं और स्पॉन्जी दबती हैं क्योंकि उसमें पानी होता है दे आर स्फोलन एंड स्पॉन्जी ये फ्लोटिंग प्लांट्स की ये स्पेशलिटी है सेकेंड है हमारा सब मर्श प्लाट्स और सब मर्श प्लांट्स लाइक हाइड्रेला ओके सब मर्श प्लाट की अगर एग्जाम्पल आगी तो हाइड्रेला आ जाएगी ऐसे आप, आपकी फ्लोटिंग प्लांट्स के आपने दो आपको एग्जाम्पल्स बताई हैं मैंने उसके अगर फीचर्स पूछता है तो उसकी आप देख सकते हो देर स्टेम्स एंड लीव्स आर फोलन एंड स्पॉन्जी ठीक है अब सबमर्ज प्लांट्स में प्लांट्स लाइक आर फाउंड हाइड्रेलाज अंडर द वाटर पानी के बीच में जो डूबे होते हैं प्लांट्स उनको सबमर्ज प्लांट्स कहते हैं जैसे इसकी एग्जाम्पल है हाइड्रेला दे हैव नैरो लीव्स विद नो स्टोमेटा इनके बहुत मतलब नैरो टाइट छोटी छोटी बहुत ब्रिक ब्रिक लीव्स होती हैं और इनमें स्टोमेटा नहीं होता दे में और मे नॉट हैव एनी रूट्स इनकी हो भी सकती है इनकी जड़े हो और हो भी सकता है नया जड़े हो ठीक है सो सब मच प्लांट्स के अगर आपको फीचर्स पूछता है तो आप लिखोगे दे हैव नैरो नेरो विद नो स्टोमेटा एंड दे मे और मे नॉट हैव एनी रूट्स बाकी दे आर फाउंड इन वाटर एंड एग्जाम्पल इज हाइड्रोल ठीक है थर्ड कम्स फिक्स प्लांट्स अब फिक्स प्लांट्स कौन से होते हैं फिक्स प्लांट्स लाइक लोटस आर अटैच टू द बॉटम सॉइल जो लोटस जैसे प्लांट्स हैं वो नीचे बॉटम में बिल्कुल पानी के बिल्कुल बॉटम पे वो सॉयल के साथ फिक्स हुए होते हैं जो अटैच uh, हुए होते हैं इनकी लॉन्ग और हॉलो स्टेम होती है इनकी जो स्टेम होती है ना वो लंबी होती है और खाली होती है बीच में से देर लीवस आर लॉन्ग एंड रिबन शेप्ड इनकी लीवस लंबी होती हैं और रिबन शेप्ड होती है ये इनके फीचर्स हैं फिक्स प्लांट्स के क्या फीचर्स हैं फिक्स प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो नीचे सॉयल में पानी के नीचे जो जमीन नीचे बिल्कुल नीचे जाके वो अटैच होती हैं और इनकी लॉन्ग और स्वलन सॉरी लोंग और हलो स्टेम्स होती हैं और इनकी लीव जो हैं वो लंबी पहले स्टेम थी लंबी अब लीव्स भी लंबी दे उनकी लीव्स लंबी होती हैं और रिप्ड शेप्ड होती है एग्जांपल इज लॉटस। ठीक है बेटा अगर एक्वाटिक प्लांट्स का आ गया तो आपने ये लिखना है थ्री टाइप्स होते हैं और उनके फीचर्स मैंने आपको विद एग्जांपल बता दिए पर इसकी बड़ी-बड़ी आंखें होती हैं हमारे फ्रॉग की फ्रॉग का अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है frog, फ्रॉग जो फ्रॉग्स लिव्स इन वाटर पानी में फ्रॉग रहता है ये देखो पिक है इसकी ये एक ऐसा जानवर है जो पानी में भी रहता है और जो लैंड पे भी रहता है इट कैन स्टे बोथ इन वाटर एंड इन लैंड फ्रॉग की फ्रॉग है स्मूथ मॉइस्ट स्किन एंड इट हैज बिग आईज देखो इसकी आईज कितनी बिग है ठीक है ना इसकी स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होती हैं जो बैक वाली लेग्स हैं इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं वो किस लिए हेल्पिंग इट इन लीपिंग एंड कैचिंग प्रे क्योंकि इसने अपने जानवर पकड़ के खाने होते हैं तो उसको वो हेल्प करती है वो छलांग मारने में और उसको कैच करने में ठीक है 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 फीट 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 ये ना होते हैं से से क्या होता वो इजीली पानी में स्विम कर सकता है इसीलिए हमारा जो फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो धरती पे भी रहता है जमीन पे भी रहता है और जो पानी में भी रहता है सो so, एनिमल्स मैंने आपके साथ एक्वाटिक एनिमल्स काफी डिस्कस किए हैं पहले ओशंस के किए थे ओशंस और सी में जो रहते हैं और अब पॉन्ट्स का पॉइंट में आपकी ये फ्रॉग ज्यादा पाए जाते हैं ठीक है